अस्सलाम वालेकुम जी एंड प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब। मैं हां तुहाडा अपना होस्ट शाहिद शबीर बाबा जी और तुसी देख रहे हो रेडियो साडे वाला ऑकलैंड और टॉयस चेस जो तुसी देख रहे हो ये उपराला जिहड़ा है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स ने जिहड़ियां कि खालसा सजना दिवस 322वां खालसा सजना दिवस जिहड़ा इस वेले विसाखी की सैलीब्रेशन जिहड़ियां ने गुरद्वारा श्री पहली पातशाही पंजा साहिब विखे जिहड़ियां ने जुड़ियां होईयां ने साडियां संगतां जिहड़ियां ने अनेक इंडिया के शहर चों ईस्ट पंजाब दे विचों जम्मू तो मैं कहना कि सारे ही शहरों चो अठ अठ दस दस लोग जिहड़े ने एक बहुत प्यारा गुलदस्ता जिहा बना के जिहड़ा एक जत्था लैके आए ने अमृतसर साहब तो आपां गल करदे हां अपने वीरां दे नाल नाल दी नाल अपना अपना जिहड़ा ना तारफ करवाउंदे जाण अपना आप दसदे जाण कि वी कित्थों कित्थों आए आ और कदों कदों उन्होंने पहली बारी वेख्या या बाद च आया और तमाम गल्लां जिहड़ियां ने तुसीं इन्हां दी ज़बानी सुणो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम मलकीत सिंह पिंड रत्तो के डिस्ट्रिक्ट तरन तारण पंजाब तो आया। मैं 2016 के पहला भी आया सी सो इतों के मोह प्यार की खिच सदका दूसरी बार मैं फिर इतने पहुँचया हाँ तो बहुत सोहना लग्या गुरु घर आ के दर्शन करके इतों की संगत का मोह प्यार वेख के बड़ा ही मन खुश होया है। हाँ जी वीर जी मैं यह दसो कि तुम काफ़ी यंग दिख रहे हो तो अमूमन जत्थे च आप देखते हैं कि ओल्ड एज यानी कि अबव 245 लोग ही जड़े ने वह आते हैं 45 तो उत्ते उत्ते कि आप जो कह लो कि बड़ा बड़े पिघल जाने तो फिर आते हैं नौजवान मुंडिया हूँ मैं चेंजिंग देख रहा वहाँ कि जत्थे दे विच जवान जवान मुंडे भी आ रहे हैं जी। एक्चुअली गल ये है कि साढ़े ना उत्थे एक गल मशहूर है कि पाकिस्तान का जो वीज़ा लग गया तो तुसी दोबारा किते होर नहीं जे जा सकते सो इसलिए जिदा जिदा विजन एक क्लीयर हुंदा जांदा है जिन्हों जिन्हों पता लगता जाता कि ये नाल कोई सानू खतरा नहीं गा कल नूं कि असी पाकिस्तान जाने तो बाद किते भी जा सकते किसी भी अदर कंट्री भी जा सकते हैं ट्रैवल कर सकते हैं जिन्हों जिन्हों पता चलता जाता है वह दोबारा पाकिस्तान जरूर आ रहा है। तो वीर जी तुहाडा 2016 च जिदा क्या तुसी आए 2021 फिर तुसी आए हो तो किन्नी किदा मतलब कि तुहानू की फील हुंदा कि तुसी दूजी वारी आउण वाले वेखो जी बहुत चंगा फील हुंदा। मैं तुहानू अरदास करके चलिया कि दूसरी बार मैं अपनी ही कार बाय रोड आप ही लैके आवां जी। रब करे जी वो वक्त जल्दी आवे कि जदों लोग जिहड़े ने आपस दे विच वटांदरा करन आउण दा सवेरे आउण शामी चल जाण जिदा आपां कहिंदे आ कि छोले भटूरे खाण नूं अमृतसर जाइए तो तुसी आओ तो तुसी भी जनाबे वाली जिहड़ी है लंगर लंगर छक के जिहड़ा डेरा साहब जाओ गुरु अमर रामदास जी दे जन्म स्थान ते आओ तो इदा करके जिहड़ा तुसी लाहौर की यात्रा करके जाओ और आपां भी अमृतसर जा सकीए जी। बिल्कुल जी बिल्कुल वेखो जी पहलां तां तुहाडे इत्थों दे भाईचारे का बड़ा सानू प्यार मिलता है बहुत ही ज़्यादा मतलब कहन मात्र नहीं रह गया कुछ भी इन्ना ज़्यादा प्यार जताउंदे ने कि इन्ना प्यार असीं किते भी नहीं पाया। ठीक है जी तो दूसरी गल ये है कि वीर जी रूहां नूं रूह दी खिच हुंदी है यही गल है। बिल्कुल जी बिल्कुल रूहां कि पंजाब पंजाब दी जिहड़ी मिट्टी है जिहड़ा अपनी देखो तुसीं बार्डरों परले पासे रहिंदे हो मैं बार्डरों उरले पासे रहिना एक माँ बोली एक चीज़ ऐसी है भी चाहते हैं कि तुम भी उधर आओ असं भी इधर आते रहिए डेली तो डेली हर रोज़ इतने असं बाय कार आईए हर रोज़ वापस हो जाइए बड़ी मन को खुशी मिलेगी। काश इदा का यह सारा जड़ा है जेन सोच सारे लोग इदा का रखते हो और कमी किस मतलब इन केस अगे तो सानू वीज़ा फ्री होना चाहिए असं जदों मर्जी आ जाइए जदों मर्जी चले जाइए बाय कार आईए तो बाय कार विद फैमिली आईए ते फैमिली नू नाल घुमा फिरा के विखाइए ते फिर लैके जाइए सो बड़ा सोहना लगूगा। फिर ते भाई जिहड़ी गोरे ने ड्यूरन लाइन खिंची आ उहदा तां काम ही खत्म हो गया फिर। हाँ जी हाँ जी तो सोहनी गल आ जे खत्म हो जाए तो होर आपां नूं चाहीदा भी की है। देखो जी तुहानूं इह पता होना चाहीदा कि पाकिस्तान ने पंजाब दे नाल कोई लीकबंदी नहीं की पाकिस्तान ने कोई तार अज तक पंजाब दे नाल नहीं लाई नहीं 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 लगाई गई जी साडे हिंदुस्तान वालों तार लाइन खिंची गई तीन तारां जी बिल्कुल जी तीन जी 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 उन्होंने जरूर खिंचीआं ने ते तुहाडे वालों नहीं सगो कोई खिंचीआं गईआं तुहाडे वालों हर वारी सानू जी आया आख्या जांदा इसलिए तुहाडे तहे दिलों धन्नवाद आ बड़ा बड़ा तुहाडा शुक्रिया। कदे कदे गलत फैसले हो जांदे आ कदी कदी कुछ लोग देखो जिद्दां हुण ईस्ट पंजाब दे विच वी कई वारी कई लोग अकालिया का विरोध करते हैं कई लोग करंट गवर्नमेंट का विरोध करते हैं तो इस तरह इतने भी इदा के चलते हैं पॉलिसीज जड़ियाँ ने वो चेंज होंदिया ने लेकिन आप गवर्नमेंट तो यही कहेंगे कि जी मतलब कि
ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਾਮਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਪਿੰਡ ਮਹਿਦੀਪੁਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਯਾਤਰਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ, ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਵਾਕਿਊ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਫੇਥ ਹਾਰਮਨੀ ਔਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ 900 ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਆਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਿਲ ਸਿੱਖਸ ਹੈਵ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਮਹਿਦੀਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਦੀਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਆ ਪਿੰਡ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਬਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਦਾ ਅਤੇ ਮਹਿਦੀਪੁਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਾਫੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜੀ ਐਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
क्योंकि गुरु के सच्चे साबत सिख जदों नज़र आते ना पाकिस्तान पंजाबियों तो यकीन करो कि मैं जिनी वारी भी कितने मेरे को जत्थे आते हैं बाहरों आप अमरीका तो कनेडा तो आस्ट्रेलिया तो नॉर्वे तो जो लैके जाने तो दुकाना वाले कोई भी जी आम चीज़ है खाने वाली है या छोटी मोटी चीज़ के पैसे नहीं लेंगे। हाँ जी हाँ जी ये एक बहुत इतों की वेखन वाली गल आ कि जो भी आप दुकान के विचरते हाँ आप जो शॉपिंग जाने ना तो देख के खुश हो जाते दुकान वाले भी जो है तो पैसे नहीं ले जाते जिहड़ा सब सूरत देख के जिहड़ा सिखी भरावा देख के जो भी संगत हिंदुस्तान तो जाने कि साढ़े पंजाब तो आदियाँ उन्होंने जिहड़ा कोई भी पैसा नहीं लिया जाता भावें साढ़े वालों कहा जाता कि पैसा लो पर वह सानू एक ही गल कहिंदे तुसीं साढ़े प्रौहणे दे तौर पर मेहमान जो सो सानू बहुत ही सत्कार मिलता है इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। बिल्कुल जी एक तो यह गल है और दूसरी चीज़ एक होर भी है कि यह नहीं है जदों तक एक साबित सूरत सिख नहीं दिखता तो गुरु का सिख नहीं नज़र आता उन्हें अपना परिचय करवाना पैंदा है तो जो तुम पांच कक्के पूरे करके पाकिस्तान च फिरते हो तो एक गुरु सिख को पूछ के वेखना यह मैं नहीं कहता उन्हें पता लगेगा कि दसम पिता की सजाई हुई जिहड़ी दस्तार है ये जिहड़ा दाड़ा है ये जिहड़ा कड़ा है कंघा है कृपान है कछेरा जदों पा के पाकिस्तान च आंदा ओदी एक दिख जिहड़ी है वह एक कदर का पता लगता है कि जिथों सिक्खी शुरू हुई है। हाँ जी हाँ जी ये बहुत वधिया तुसीं जिहड़ा जिहड़ा सवाल कीता दे नाल उत्तर भी दे दिता तुसीं सारा कि जिहड़ा पंज कक्के है ना जिहड़ा पंज कक्के धारण करके पाकिस्तान का जदों वीजा मिलता ना जो इत्थे सानू इज्जत माण मिलता ना वह भी एक वेखण वाली चीज़ हुंदी है सो ककारा करके ही ये जिहड़ा सानू माण सत्कार मिलता असीं बाकी एक ये भी नाल बेनती करांगे जो साडे पाकिस्तान दे विच सिख वसदे आ सानू थोड़ी जी कमी जिहड़ी इहनां विच लगी आ कि सिर ते जिहड़ियां दस्तारां सानू जिहड़ियां घट मिलियां वेखण नू क्योंकि पड़कियां सजाउंदे आ क्योंकि साफ सूरत आ दाड़े हैगे आ इहनां दे पर एक थोड़ी जी कमी जिहड़ी दस्तार नहीं सजाउंदी उह इहनां नू बेनती करांगे कि जरूर जिहड़ा आउण वाला साडे प्रोग्राम आ उन्हां विच इह भी दस्तारां सजा के जिहड़े इह प्रोग्राम विच शामिल होण बाकी वेलकम बहुत वधिया करदे आ। लेकिन एक चीज़ आ तुहानूं शायद पता नहीं हैगा ये शायद स्पैशल परमिशन तो एंट्री हो गई है मां सवाए पंजी तो तीह बंदे जिन्होंने सेवा करनी सी उन्हों तो अलावा सरकारी तौर पर किसी की परमिशन नहीं हैगी पाकिस्तानी सिख संगत एक बार फिर मैं तुहानू तीन प्रोग्राम्स मैं दस चुकिया तीन दिन पहले रेडियो साडे आला दे पेज तो ही तुहानू दस्या कि पाकिस्तानी सिख संगत गुरु नानक नाम लेवा दासपंथी और नाथपंथी जिहड़े लोग ने साडे पाकिस्तान दे उन्हां नू पंजा साहिब विखे आउण दी परमिशन नहीं हैगी क्योंकि अगर इत्थे संगत वह इकट्ठी होंगी तो तुहानूं पता लगता पैर रखण नूं मेला जिहड़ा उत्थे जगह नहीं होंगी पेशावर की संगत हसन अब्दाल की संगत सियालकोट की संगत ननकाणा साहब की संगत करतारपुर की संगत हुण तां सत्त संगतां तां सिर्फ ए पंजाब दीआं ने उस तों बाद बलोचिस्तान की संगत हैदराबाद की संगत फिर उस तों बाद कराची की संगत और उस तों बाद तुसीं देख लो कि इंटीरियर पूरा सिंध जिहड़ा उत्थे दे नानक नाम लेवा सारे दे सारे इत्थे आ जाने सी और जिहड़े संगत आई हुई सी मे बी हो सकता है कि उन्हां दे विच कुछ लोग अफेक्टेड हुंदे कोविड 19 तो मे बी अगे वो ट्रांसफर हुंदा तो इस वास्ते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह जिहड़ा है ऐतकी उन्हां तों रिक्वेस्ट भी की है कि तुसीं हर साल मनाउंदे हो सारे दिन तुहाडे लई खुले ने गुरु घर तुहाडे लई कोई पाबंदी नहीं है लेकिन इस वारी जिहड़ा है तुसीं सिर्फ सिर्फ ईस्ट पंजाब दीआं संगतां नूं इस वास्ते वो पूरे जड़े ने सज के ते लोग नहीं शामिल हो सके क्योंकि शायद मे भी हो सकता वो लेट आए हों क्योंकि उन्होंने परमिशन नहीं सी हैगी ये एक रीज़न है। बाकी मैं पेशावरी सिंह और इत्थे दे सारे सिंह दिखाना हुंना हमेशा साबत सूरत छोटे छोटे बच्चे भी जड़े है वो दस्तार पेशावरी दस्तार सजाउंदे आ विच जी वीर जी आओ जरा नेड़े हो जाओ साडे लागे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं भाई गुरमीत सिंह पिंड महदीपुर तहसील पट्टी जिला तरनतारण तो आया हूँ और पहली बार मैं श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन किए हैं बहुत चंगा लगा है और खालसा पंथ साजन दिवस की मैं सारी संगत को देश विदेश में बैठे संत सब लख लख बधाई देता हाँ और बहुत चंगा लगा है बहुत वधिया लगा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत शुक्रिया जी साड़ी इस पंजाब तो आए हुए भरा जिहड़े ने साडे अपने विचार सांझे कर रहे सन कि उन्होंने किदां दी फीलिंग आई है हमेशा की तरह जी जी एक एक देखो कि जिहड़ी गल सामने आ रही है आपां अपने फोरम तो हमेशा अनकटिड वीडियो लेके आने हैं तुसीं देख लो इन्हां वीरां कोल पहले कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखिया होया जिहड़ा कि पढ़दे पए ने ये ओ ने ये भावनावां ने ये अंदरों निकलियां हुई गल्लां ने ये जिहड़ा एक श्रद्धा है
कि जिहड़ी तुसी अपने मैं कहांगा कि जिहड़े नानक नाम लेवा पूरी दुनिया च बैठे हुए ने उन्हां दे अंदर एक एक मान सम्मान जरूर हुंदा कि असीं बाबे नानक दी धरती ते जाइए और जाके मत्था टेकीए। ये उस बंदे नूं ही कहा जा सकदा या पुछया जा सकदा कि उस वेले उहदी की फीलिंग हुंदी है जदों वाघा बॉर्डर क्रॉस करके वो लाहौर पहुँचता है। तुसी देख रहे हो रेडियो साडे वाला और मैं हाँ तुहाडा होस्ट शाहिद शबीर बाबा जी और गज के एक बारी गुजारा मार दिओ जी। भोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।